तो फाइनली घर खाली हो गया, सारा सामान जा चुका है एंड वी आर अबाउट टू लीव। और इर्ज़ा फुल इस वक्त इमोशनल हुई हुई है, मैं भी हुआ हुआ हूँ, लेकिन मुझे खुशी भी हो रही है लाहौर वापस जाने की। खुशी मुझे सिर्फ एलिया से मिलने की हो रही है, उसके अलावा यस आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ, क्योंकि इस जगह पे हमने बहुत सारे मेमोरीज बनाई हैं, बहुत सारा टाइम गुजारा है। और ईशान आपको पता है कि मैं 5 साल मैंने कभी किसी एक जगह पे नहीं गुजारे, मतलब एक घर में भी मैं कभी 5 साल नहीं रही, हम हमेशा मूव करते रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने AIY में 5 साल गुजारे हैं, सो ऑब्वियसली आई एम गोना मिस द ऑर्गेनाइजेशन, आई एम गोना मिस दिस प्लेस। और यस वी आर अबाउट टू लीव, और हमने इनिशियली ये प्लान किया था कि हम लोग रात में निकलेंगे कोई 10-11 बजे के करीब, लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि हम थोड़ा सा सो जाएं, नैप ले लें, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी। सो फाइनली वी डिसाइडेड कि बस अब जा ही रहे हैं, तो फिर एक ही दफ़ा जाके सोएंगे घर, तो बस हाँ निकलते हैं फिर। बिल्कुल, तो नींद तो आ नहीं रही थी, हमने सोचा थोड़ा सा सफर ही कट जाएगा इसमें, हाँ तो फाइनली निकल रहे हैं अब हम। ओके, तो फिर रास्ते में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एंड वी लव यू कराची। सो ये वो बिल्डिंग थी जिसमें हम रह रहे थे, और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर था। यहाँ पे सामने एक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने लगी थी, तो पार्किंग के लिए हमें बड़ी मुश्किल होती थी। बहरहाल अब तो हमारा घर ही नहीं रहा वो। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफ़र का आगाज़ हो गया है, सफ़र की दुआ भी पढ़ लें शान। तो अब ज़रा सा जिशान जो है वो अब्रार भाई से इंस्पायर होके दुआ मांगेंगे। या अल्लाह पाक, आज का दिन भी आज की रात भी बिल्कुल ठीक ठाक गुजार देना, हमारा सफर बिल्कुल ठीक रहे। और ये भी हमने यहाँ पे लगा लिया ताकि रास्ते में जब मेरा दिल करे तो मैं मोबाइल यहाँ पे लगा के भी कुछ व्लॉग कर सकूँ। सो गाड़ी की हालत में जरा आपको दिखाती हूँ, ये बहुत मजे की सिचुएशन है। ये देखिए ठूस ठूस के जशान ने ना सामान रखा है गाड़ी में, लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड। मैं ये कभी भी नहीं कर सकती थी, ये जशान ही कर सकता है। और ये हॉटपॉट देख रहे हैं आप, ये हॉटपॉट जो है बिल्कुल सेंटर में सजाया गया है। और इसकी एक कहानी है। इसकी एक कहानी कहानी वो ये है कि ये हॉटपॉट मेरी अम्मा के जहेज का हॉटपॉट है, जो कि मेरे साथ जहेज में आया है, इसलिए शान ने और ये वाहिद रीजन थी कि जिस वजह से मैंने इसको संभाल के रखा है, वरना मैं इसको लाने के हक में नहीं था। बिल्कुल, इतनी इज्जत बख्शी गई है इस हॉटपॉट को। और बादल बहुत खूबसूरत हो रहे हैं, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। मैं एक्चुअली बड़ी खुश हो रही हूँ इस बात पे कि हमने बड़ा सही डिसीजन लिया कि हम इस वक्त निकल रहे हैं, वरना व्लॉग शुरू होना था रात में, ना आपको मजा आना था ना मुझे मजा आना था। अभी हम बड़ा एंजॉय करें, अभी हमें बहुत एनर्जी भी है ना। बहुत मजेदार किस्म की मैंने चाय बनाई थी, वो चाय पी के हम निकले हैं। और अब रास्ते में हमें मिलना है हमारे एक दोस्त से जाते जाते, सो उसको मिलेंगे, अल्लाह हाफिज बोलेंगे और चलेंगे लाहौर की जाने। हम ना मिलेनियम वाले मैकडॉनल्ड्स पे जरी से भी मिलते हुए जा रहे हैं, तो तुम आ सकती हो? हम कितनी देर में पहुंचेंगे शान? हम लोग 20 मिनट। 20 मिनट में चलो आ जाओ। ओके ओके। मैं निकलने की निकल तो हम आए, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो फंस फंस आके चल रहे हैं फिलहाल। सुकून मेरा ख्याल है हमें मोटरवे पे जाके मिलेगा, उससे पहले तो ऐसी ख्वारी होने वाली है। सो शान आप रेडी तो है ना इस एडवेंचर के लिए? बस ये जो जल्दी निकलने वाला हुआ है ना सिलसिला, हाँ, थोड़ा सा खराब हुआ है। हाँ, क्योंकि मैं मुझे पता था ऑलरेडी कि हम 6-7 बजे भी निकल सकते हैं, लेकिन मैं इसी वजह से लेट निकलना चाह रहा था कि इस वक्त जो 2 घंटे है ना वो तो आपके सिटी के अंदर ही लग जाएंगे, सिटी से बाहर निकलते निकलते ही। तो बस ये मुझे था, और वही हो रहा है कि आगे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि अभी मोटरवे तक पहुँचते पहुँचते 2 घंटे, वही 2 घंटे हमें हैदराबाद पहुँचने में लगे। ये तो है, मैं इसको मिस नहीं करना चाहती थी। ओ, सही से कैप्चर ही नहीं कर पाई मैं, थोड़ा सा लेट।
अभी आदाब क्या बोल रहे हैं जिशान भाई, बस कर दो यार। मुझे लगा कि जिशान ने बता दिया होगा और जिशान को ये लग रहा होगा फैजा ने बता दिया होगा, तो हम बता ही नहीं पाए, बस इसी कंफ्यूजन। ये बहुत स्पेशल टॉफी है, जन्नत की टॉफी। निम्रा जरी जल्दी आना लाहौर हमसे मिलने के लिए। फाइनली ये कैब मैंने उतार दिया क्योंकि अब रात हो गई है, ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं। और क्या एग्जैक्ट क्या टाइम हुआ है, एग्जैक्टली यस 8:10। बेसिकली हम लोग रुक गए थे मैकडोनल्ड्स पे, निम्रा और जरी से मिले, उसके बाद हमने वहाँ पे जरा खाना वाना खाया अच्छे से। अब हमारा सफर असल मानों में शुरू हुआ है ये कहना चाहिए, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत ट्रैफिक है। जब तक मैं कह रही हूँ बैरियर टाउन नहीं पहुँच जाते, हमारा सफर शुरू नहीं हुआ। शान सही से हमारा सफर तभी शुरू होगा। इतना खूबसूरत लग रहा है शान, ये कैमरा बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पा रहा। इट्स फुल मून प्रिटी, और मुझे बहुत जोर से गाना याद आ रहा है, लेकिन जिशान गाना नहीं चाह रहा तो मैं गुनगुना देती हूँ। चौधरी का चांद हो या टाउन, और ये रोड मुझे बहुत पसंद है। फाइनली हम पहुंचे हैं सखर। आप लोग तो इस वीडियो में देख रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि चंद मिनटों में हम पहुंच गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारा रास्ता मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वी वर हैविंग सम फन और बहुत सारी बातें की मैंने और जिशान ने, तो हम आप लोगों को अपनी बातों से उस वक्त बोर नहीं करना चाह रहे थे। तो हम सखर पहुंच गए हैं, अब आगे से मोटरवे शुरू हो जाएगी, यहाँ पे खाना वाना खाएंगे क्योंकि भूख से पेट में शदीद दर्द हो रहा है। सो अब यहाँ पे खाना वाना होगा, चाय शाय का दौर चलेगा, फ्रेश फ्रेश होंगे और खाना वाना और क्या व्या हो वो गावा। सब वक्त हो वो गावा। सो अभी हम इस वक्त हैं सखर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंप है, साथ में रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें बैठने की भी अच्छी जगह मिल गई है। तो अब यहाँ पर खाना ऑर्डर किया है, खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो जी अल्लाह का नाम लेके ये कोरमा और दाल जो कि बहुत ऑयली है, लेकिन खाना तो है, भूख बहुत है। सैलेड भी है, वाओ। खाना हम खा रहे हैं और अनएक्सपेक्टेडली खाना बहुत मजे का है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ी सी एनर्जी फील हो रही है। कैसा लग रहा है खाना खा के? अब खाना खा के अच्छा लग रहा है, एनर्जी लो हो गई थी है ना, सेम है, वापस अच्छा महसूस और हो रहा। खाना है भी अच्छा, खाना मजे का। ऑलराइट जी, खाना वाना हो गया है, चाय जिसको पीनी चाहिए थी उसने तो पी ली है, लेकिन मेरे हिसाब से चाय बहुत ज़्यादा शुगर थी उसमें, सो मैं नहीं पी सकी। अब थोड़े से रिफ्रेश्ड फील कर रहे हैं। जितना कराची से लेकर सखर तक का रास्ता था, इतना ही सखर से लेकर आगे लाहौर तक का रास्ता है। एक स्टॉप और करेंगे मुल्तान में, वहाँ पर भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। सो शान ने अपनी सुपारियाँ वुपारियाँ भी खरीद ली हैं ताकि रास्ते में मुंह चलता रहे तो बंदा फ्रेश रहे। सो शान वैसे एक बात मुझे बताओ, मैं एज अ ट्रेवल पार्टनर कैसी हूँ? बहुत अच्छी। हाँ ख्याल रखती हूँ। कहते हैं जब किसी के बारे में बिल्कुल सही पता लगाना हो
तो उसके साथ सफर करना चाहिए, ये हजरत अली का फरमान है। हाँ, तो आपने मुझे कैसा पाया है? बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू सो मच। मैंने भी जिशान को सफर के दौरान बहुत अच्छा पाया और उम्मीद करती हूँ कि हमें जिंदगी में आगे बहुत सारे सफर साथ करने को मिले। हाँ, आमीन आमीन। लेट्स गो। गाड़ी के शीशे साफ हो रहे हैं ताकि विजन जो है वो क्लियर रहे, और अभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी बैठी महसूस हो रही होगी, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ये जो मेरी आवाज़ इतनी बैठी बैठी महसूस हो रही है, उसका रीज़न ये है कि जब से हम कराची से निकले थे अब तक सखर पहुँचने तक मैं नॉन स्टॉप बोलती हुई आई हूँ, गाने गाती हुई आई हूँ ताकि शान को नींद नहीं आए, और मैं अपने आप को भी थोड़ी सी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही थी। सो अब मैं इतना बिजी और ड्राउजी और इतना स्लीपी फील कर रही हूँ, लेकिन मैं जिशान के सामने ऐसे शो कर रही हूँ कि जैसे मैं तो बिल्कुल एक्टिव हूँ और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, ताकि उसको नींद नहीं आई क्योंकि ड्राइव उसको करना है। और मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट हो रही है क्योंकि अगर मुझे सही से प्रॉपरली ड्राइव करना आता होता तो इतना मसला नहीं होता, हम लोग टर्न्स रख लेते और डिवाइड कर लेते, लेकिन जिशान को ड्राइव करना पड़ेगा। पहले भी उसने किया है काफ़ी दफ़ा, वो कराची से लाहौर आया है बहुत दफ़ा बाय रोड। सो आई एम होपफुल कि शायद वो तो इतना ज़्यादा थके नहीं जितना मैं थक गई हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उसके सामने शो करना है कि नहीं आई एम कम्प्लीटली फाइन। जब जब मेरी आंख लगी आपने तब तक क्या क्या किया है? गाड़ी भगाई है।
निशान में तो लगता है गाड़ी मंड दी है, खूब मंडी है ना। लेकिन चलो अच्छा है, लेकिन आपने कैमरास का ख्याल रखा है ना, कैमरास का सारे रूल्स का ख्याल, सब रूल्स हमने फॉलो किए हैं। सो जब भी निकले तो रूल जरूर फॉलो करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है जब आप तो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो लेकिन बाकी नहीं कर रहे। खाने लगे हमें स्वैग नहीं, मुझे धूप पड़ रही है। चलें जी, अब ब्रेक हमारी जो है वो लाहौर जाके लेगी इंशाल्लाह। ये खूबसूरत तरीन इस वक्त मौसम हो रहा है, हम लाहौर मोटरवे पे हैं इस वक्त, है ना शान? हाँ, मुल्तान टू लाहौर मोटरवे पे, और तकरीबन कोई 1.5 घंटे का रास्ता हमारा रह गया लाहौर पहुँचने का। और इतना खूबसूरत मौसम है, इतना खूबसूरत मौसम है, गाड़ी का शीशा इग्नोर करते हैं क्योंकि पता नहीं बाहर के मच्छर इंसेक्ट्स क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, और उनका खून भी सारा शीशे पे लग गया है। सो वो इग्नोर करें और ये आप बस चेक करें। वाओ, तो भाई अभी अभी बड़ा एडवेंचर हुआ है हमारे साथ। मोटरवे पुलिस ने हमें इशारा किया कि आप रुके, आप जो अपने वीडियो में बोल रही हैं कि आप बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आपने रूल तोड़ा है, आप ओवर स्पीड हुए हैं। हम तो अपने हिसाब से सही जा रहे थे, लेकिन मे भी क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था और इस वक्त थकावट शदीद हुई हुई थी, और आई कैन इमेजिन के जिशान की से क्या हालत है। तो हम 120 से 140 पे चले गए थे, तो 140 मेरा ख्याल है वो भी बहुत किसी एक जगह पे जाके ऐसा हुआ है, लेकिन उस पर भी हमारा चालान हो गया। तो ये देख के तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मोटरवे पुलिस जो है वो बड़ी एक्टिव है, काम कर रही है। लेकिन दुख भी हुआ, 750 रुपए पे करने पड़े भाई, किए हमने पे। हाँ, लेकिन ये जो दुख है ये काम आने वाला दुख है, ये नसीहत है कि अब 120 बार बार मीटर पर नजर जाएगी थकावट की वजह से, नींद की वजह से, क्योंकि पिछले कोई 11-12 घंटे से मुसलसल मैं ड्राइव कर रहा हूँ, उसमें फिर ये होता है कि आपकी कभी मीटर पे अगर नहीं नजर गई तो इतनी साइलेंस होती है मोटरवे के ऊपर, कोई आवाज बाहर से नहीं आ रही होती, और फिर जब आप इतना ड्राइव करके आए और आप बस गाड़ी चला रहे हैं मुसलसल, तो कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर मीटर से आपकी नजर हटी है तो आपको ये अंदाजा नहीं रहता कि आप ओवर स्पीड हो। एग्जैक्टली, गाड़ी के अंदर बैठे हुए आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि कितनी स्पीड से आप जा रहे हैं। तो जब हम अभी उतरे हैं बाहर, तो जो गाड़ियां हमारे पास से गुजरी हैं उनकी आवाज इतनी तेज थी, ये लग रहा था जैसे मतलब बुलेट ट्रेन चल रही है कोई। तो ऑब्वियसली ये तो होता है, सो हम भी एहतियात करेंगे अब, और आप भी अगर मोटरवे पे सफर करते तो एहतियात कीजिएगा भाई, इन लोगों ने बहुत कड़ी नजर रखी हुई है। वेलकम टू लाहौर, सामने टोल प्लाजा भी नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम लाहौर, फाइनली हम पहुंच गए हैं लाहौर। टोल प्लाजा सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है, वो है टोल प्लाजा। थैंक यू सो मच गाइस, आपने पूरा रास्ता हमारा साथ दिया, और आप लोगों की वजह से मेरा रास्ता जो है इतना अच्छा गुजरा, क्योंकि मैं एक्टिव रही कि मुझे आप लोगों को अपडेट करते रहना है। खैर खैरियत से हम लाहौर में एंटर हो चुके हैं, और घर हमारा यहाँ से बहुत ही करीब है। सो अब जिशान भी बहुत ज़्यादा थक चुका है, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, सो वी विल गो एंड हैव सम रेस्ट, और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आगे के प्लान्स क्या हैं। Till then, stay tuned. और अब यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, कॉमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच।